बालोद के अर्जुंदा नगर में एक परिवार के साथ गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। बता दें कि कुछ दिन पहले हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से मारपीट मामले में प्रवीण चंदेल को गिरफ्तार किया गया। परिजनों का आरोप है कि बेटे के साथ थाने में मारपीट की गई। इस बात से पिता को सदमा लगा, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। थाने में मारपीट करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। बातचीत के बाद मारपीट करने वाले SI विश्वजीत मिश्राम, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र साहू और आरक्षक पुराणिक साहू को लाइन अटैच किया गया। तीनों के खिलाफ 7 दिन के अंदर जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव वो लेकर गए। हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की फोन के माध्यम से, और उच्च अधिकारी के फोन के माध्यम से फिर उनके एडिशनल SP साहब जोशी जी, उनके पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि अभी तत्काल उन तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो लाइन अटैच किया जाएगा और उसके बाद 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरी जितनी भी कार्रवाई की प्रक्रिया होगी वो हम पूरा करके आपके साथ न्याय का भरोसा दिला है, न्याय करेंगे ऐसा करके उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी हमको एडिशनल साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि उनको तत्काल पुलिस अधिकारी जो भी इस मामले में संलिप्त है उनके को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया जाएगा और उनको 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरा करके निलंबन की कार्रवाई भी उनके द्वारा करने का हमको आश्वासन दिया गया है। इसके बाद जो होगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच करके जो भी परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर जो है इनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे।